एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपने घरों में अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। तो हो गई एक नए दिन की शुरुआत। तो इस नए दिन की शुरुआत का आरंभ होता है ब्रेकफास्ट बनाने से। तो इधर मैंने आज चने का साग बना रही हूँ जो कि कुकर पे बन रहा है, और उसको मैंने सिम आंच पे पका रखा है। इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया है और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो आज के ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने ये चने का साग है और आलू चना, और ये इधर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। मौसम की बात करें तो आज बहुत ही अच्छी, फिर दोबारा से दिन के टाइम तो अच्छी धूप खिल जाती है और छत पे सूख रहे हैं मेरे कपड़े। इसमें वो कपड़े भी हैं जो हम कल परचेज करे थे, हमने खरीदे थे, तो पहले मैं उन्हें ला के धो देती हूँ, फिर उनको अच्छे से सुखा के फिर पहनते हैं। तो आज है, ये है टिम्मी। टिम्मी ने स्कूल ड्रेस पहनी है क्योंकि आज इसकी जीके क्विज है और जीके क्विज में इसे इसका सिलेक्शन हुआ है, तो आज इसका फाइनल राउंड है गोवा जीके क्विज का। तो कैपिटल उसके लिए टिम्मी जो है वो इंग्लिश क्या कर रहा है, टिम्मी अपनी तैयारी कर रहा आज है, ये है। प्रिपरेशन आज तो ये है आज है ना। टिम्मी कैसी चल रही तैयारी? बहुत ही ज्यादा लर्न हो गई कैपिटल? सुनो हाँ जरा, सुन लो। चलो टिम्मी से थोड़ा बहुत हम सुनते हैं, तो आज टिम्मी का IQ टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई टिम्मी की जनरल नॉलेज कैसी है। तो ये है टिम्मी का टेस्ट। तो आज टिम्मी को मैं थोड़ा जीके का रिवाइज करा दूँ। ये इसकी बुक है और जीके कल्चरल हेरिटेज बोले मैम ने, हाँ तो कल्चर मैम ने PDF भी भेजी थी, कल्चरल हेरिटेज जो फोन पे स्टेट है। भेजी तो थी PDF। वैसे भी जो बात थी ना, पढ़ाई का जो था मतलब वैल्यू थी और पढ़ाई जो थी बेस्ट, वो ऑफलाइन ही थी, है ना। हर चीज थी उसमें, टीचर से डांट खाना भी था, दोस्तों के साथ गपशप थी, कैंटीन में मस्ती थी, प्लेग्राउंड में खेलना था, सब कुछ था। क्या अभी क्या कैंटीन में है? मस्ती थी, कुछ खा ही नहीं देते, कुछ दे ही नहीं। मध्य प्रदेश कैपिटल? भोपाल। लैंग्वेज? लैंग्वेज लैंग्वेज है मध्य प्रदेश की, हिंदी। लैंग्वेज और निकनेम? निकनेम हार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशल फीचर वहाँ क्या है? सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। वेरी गुड। और वहाँ के हेरिटेज साइट कौन से हैं? वर्ल्ड हेरिटेज? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नहीं पता। तो ऐसा करो टिम्मी, अभी तुम कुछ थोड़ा बहुत इसमें से लर्न करो, इस बुक में से, ठीक है? फिर मैं तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? ओके। और यहाँ टिम्मी यहाँ पे स्टेट पढ़ते गोवा हैं, कैपिटल कौन? अच्छे से कैपिटल लर्न करो इन्हें। कौन का नहीं पता। स्टेट गोवा कैपिटल पणजी, लैंग्वेज इंग्लिश कोंकणी एंड फोन इधर। चलो बता। स्टेट स्टेट है गोवा, स्टेट गोवा, लैंग्वेज है कोंकणी इंग्लिश, एंड उसका स्पेशल फीचर है स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और उसका क्या था, वो स्पेशल फीचर क्या था, क्या था, टिम्मी निकने, अपनी हाँ टिम्मी निकने, अच्छे से कर भाई, क्योंकि तुझे अपनी क्लास को जिताना है, मैडम का हाँ विश्वास जीतना है। निकनेम रोम ऑफ द ईस्ट। और फूड है फिश, फिश करी एंड राइस। हुँ। पीपल पीपल की जॉब्स है ज्यादातर फिशिंग एंड फार्मिंग। हुँ। तो उसका क्या बोलते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स है फोर्ट एग्वाडा, बेसिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। और क्रॉप्स ग्रोन है, क्रॉप्स है पाइनएप्पल, कोकोनट, बनाना और कैश्यू। कैश्यू है कैश्यू 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 कैश्यू। और इधर बन चुकी है दाल, मसूर की दाल। और टिम्मी बेचारा उदास हो गया क्योंकि क्योंकि जो टिम्मी की टीम है ना, वो क्या बताएं अब, वो लास्ट आ गई। लेकिन ये टीम वर्क था इसमें ना, पता है क्या था उसमें? चार बच्चे थे, तो चार बच्चों में क्या था, हर एक जिनमें बच्चे से को, दो पढ़ के ही नहीं आए। दो बच्चे जो तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आए, एक और एक दूसरा बच्चा शिवांश था, हाँ तो उसने तो अच्छा किया ये टिम्मी ने और शिवांश ने, तो अपना अच्छे सारे मतलब मैडम ने चार चार क्वेश्चन सब बच्चों से पूछे थे, तो इन्होंने सारे जवाब सही दिए थे, बस एक गलत था, है ना टिम्मी? तूने एक गलत दिया था हाँ और एक शिवांश ने गलत दिया था। लेकिन स्कोर कहाँ खराब हुआ? स्कोर खराब हुआ उन दो बच्चों की वजह से, उन्होंने वो बोल रहा है पाव, पा, पा, वड़ा पाव को पाव भाजी, हाँ, तो उन दो बच्चों वड़ा ने, पाव की पिक्चर को पाव भाजी बोल उन रहा दो भाई। बच्चों ने टिम्मी बिल्कुल भी आंसर सही नहीं दिए, तो एक भी टीम पहले यही वर्क। बोला, टिम्मी ने भी पहले सोचा नहीं ये पाव भाजी, हाँ, फिर पता चला इसको तो ये ना एक टीम वर्क था, तो टीम वर्क में तो चारों ही मतलब जितने बच्चे टीम में होते हैं सबको ही अच्छा रिजल्ट देना होता है ना, तब देखो जाके होता देखो है।
कोई बात नहीं टिम्मी, हार जीत तो लगी रहती है। देखो जब हम कोई कंपटीशन करेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा ही। बट चलिए रिजल्ट तो जो भी रहा कोई बात नहीं, टिम्मी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, उसने चलो इस बहाने उसने कैपिटल वगैरह कुछ लर्न तो कर लिया है ना। बट कोई बात नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि कॉम्पिटिशन में हिस्सा जरूर लो, हार जीत तो क्या है, हारेगी एक टीम, हारेगी एक टीम जीतेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही टीम जीत जाएंगी, तो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। और दूसरा उसके लिए जो तुम कोशिश करते हो वो भी बहुत ही अच्छा है, तुमने अपनी कोशिश अपना प्रयास किया ना, तो प्रयास करना भी जरूरी है। पहले हार के बैठ जाते तो वो गलत था ना, तुमने कोशिश करी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं तो यही इसको समझाऊंगी। बाकी आज की व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम बताओ कितने स्टेट है टिम्मी? 25।